तो क्यूआर कोड में चलते हैं हम। पहले मैं एक क्यूआर कोड ले लेता हूँ दोस्तों, ये देखिए क्यूआर कोड, ये स्कैन हो गया। स्कैन होते ही ऑटोमेटिक रिटच हो गई फोटो। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ये क्यूआर कोड लेता हूँ मैं सिनेमेटिक वाला, ये देखिए स्कैन हो गया, अप्लाई पूछ रहा है, अप्लाई, ये अप्लाई हो गया बिफोर एंड आफ्टर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑसम क्लिक पे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को सैंपल दिखा दिया कैसे आज हम फोटो एडिट करने वाले हैं वीडियो के अंदर, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, आज ये फोटो एडिट हम सीखेंगे क्यूआर कोड की मदद से। क्यूआर कोड तो आप लोगों को सबको ही पता होगा कि क्यूआर कोड कहाँ कहाँ नहीं लगे होते हैं। क्यूआर कोड फ़ोन के भी होते हैं, फ़ोन पे के भी होते हैं, किसी भी अदर बुक, कोई भी साइट आप कुछ भी उठा लो उसके क्यूआर कोड जरूर होंगे। तो वैसे ही आज क्यूआर कोड स्कैन करके हम फोटो एडिट करना सीखेंगे वीडियो के अंदर। आप लोग वीडियो को पूरे जरूर देखना, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में ना आते हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकते हो, मैं आप लोगों के लिए और ऐसी ट्रिक वगैरह लाता रहूँगा। और ऐसी ट्रिक मैं हर वक्त लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। लाइट रूम क्लास भी स्टार्ट किया मैंने, अगर आपको लाइट रूम यूज़ करना नहीं आता तो आप लोग लाइट रूम यूज़ करना सीख सकते हो मेरी वीडियोज़ की मदद से। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी हेल्पफुल लगती है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी दबा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में कोई भी प्रीसेट आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया, कोई भी प्रीसेट आप लोगों को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो सिंपल होने वाली है, एकदम सिंपल, सिर्फ क्यूआर कोड की मदद से हम फोटो को एडिट करेंगे एकदम इजी वे में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं अब। तो चलो हम चलते अपने फ़ोन के स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ओपन कर ली है। फ़ोन की स्क्रीन में हमें क्या करना है, पहले कोई भी वेबसाइट, कोई भी ब्राउज़र खोलना है हमें। कोई भी ब्राउज़र खोलने के बाद उसमें हमें सर्च करना है स्नैपशीट क्यूआर कोड। जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे हम क्यूआर कोड सर्च करें। फ़ोन की स्क्रीन आपको साइड में दिख रही है इधर, तो हम पहले एक सफारी ब्राउज़र खोलेंगे, क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था सफारी ब्राउज़र हमारे आईफोन का सबसे बेस्ट ब्राउज़र है। तो दोस्तों मैं इसमें सर्च करता हूँ, ये हमारा गूगल ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों गूगल हमारा खुल चुका है, यहाँ पे सर्च करना है हमें स्नैपशीट क्यूआर कोड। ये हमारा स्नैपशीट क्यूआर कोड ओपन हो गया दोस्तों। ये देखिए इमेजेस में हम जाएंगे, इमेजेस के बाद में ये देखिए कोई भी हम किसी भी फोटो एडिट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड की मदद से। ये देखिए क्यूआर कोड के पीछे फोटो दी हुई है कि ये कैसी फोटो एडिट होने वाली है। जैसा कि दोस्तों देखिए ये हमारी ये फोटो है, ये ऐसी एडिट होगी, ये फोटो को भी देख सकते हो, ये सिनेमेटिक टाइप में एडिट होगी। तो आप ऐसे एक एक क्यूआर कोड को स्कैन करके फोटो एडिट कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यूआर कोड स्कैन हम कैसे करेंगे। हमारे पास दो फोन होने चाहिए, दो, कोई भी घर पे किसी का भी फोन पड़ा रहता है घर पे, हर घर में दो फोन से तो ज़्यादा ही फोन होते हैं आजकल, किसके पास फोन नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ स्नैपशीट हमें जिस फोन में फोटो एडिट करनी है उस फोन में हम स्नैपशीट को ओपन करेंगे। तो स्नैपशीट हमारा ओपन हो चुका है दोस्तों, प्लस आइकन पे क्लिक करना। प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम डिवाइस, ये देखिए हमारी फ़ोटोज़ आ गई है। फिर हमें एक फ़ोटो सिलेक्ट करनी है, जैसे दोस्तों मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, ये फ़ोटो मैंने ली है इसके अंदर। फिर हमें क्या करना है, ऊपर ये देखिए अंडू का ऑप्शन आ रहा है ऊपर, थ्री नंबर पे, थ्री डॉट के पास में अंडू करने का, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये अंडू, रिडू, रिवर्ट, व्यू एडिट्स एंड क्यूआर लुक, क्यूआर लुक पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद क्यूआर कोड स्कैन करना है, ये क्यूआर कोड वाला आ गया। मैं एक बार दूसरे फ़ोन में क्यूआर कोड सर्च कर लेता हूँ, वो स्कैन करके आपको फोटो एडिट करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों हमने क्यूआर कोड सर्च कर लिया है, मैं आप लोगों को एक क्यूआर कोड स्कैन करके दिखाता हूँ। एक दो क्यूआर कोड आप लोगों को मैं स्कैन करके दिखाऊंगा वीडियो के अंदर कैसे ये फोटो एडिट होने वाली है। तो क्यूआर कोड में चलते हैं हम। पहले मैं एक क्यूआर कोड ले लेता हूँ दोस्तों, ये देखिए क्यूआर कोड, ये स्कैन हो गया। स्कैन होते ऑटोमेटिक रिटच हो गई फोटो, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ये हम फोटो एडिट कर सकते हैं चुटकियों में। और भी आपको मैं स्कैन करके दिखा देता हूँ। हम अंडू करते हैं वापस से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। ये हम दूसरा कोड स्कैन करेंगे इसके अंदर। ये देखिए ये ऑटोमेटिक क्यूआर कोड ले लिया इसने, क्योंकि आईफोन का कैमरा सबसे खतरनाक कैमरा रहता है, मतलब क्यूआर कोड काफ़ी जल्दी स्कैन करता है। ये क्यूआर कोड लेता हूँ मैं सिनेमेटिक वाला, ये देखिए स्कैन हो गया, अप्लाई पूछ रहा है, अप्लाई, ये अप्लाई हो गया बिफोर एंड आफ्टर। देखिए आपको एक दो और क्यूआर कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए मैं इसका क्यूआर कोड दिखाता हूँ, ये ऐसी फोटो एडिट होगी। इसका क्यूआर कोड स्कैन करता हूँ मैं, ये अप्लाई लुक बोल रहा है, ये फोटो अप्लाई हो गई, सिंपल क्लिक में फोटो एडिट हो गई हमारी। तो दोस्तों इस फोटो का क्यूआर कोड हम खुद भी बना सकते हैं, अगर हम खुद एडिट करें फोटो को तो उसका भी हम क्यूआर कोड बना सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ कैसे हम क्यूआर कोड बनाएंगे। ऊपर हमें फिर से उसी अंडू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्यूआर लुक पे जाना है। क्यूआर लुक पे जाने के बाद क्रिएट क्यूआर कोड,
ये क्यू आर कोड हमारा बन गए, ये ऐसी फोटो एडिट होगी, ये क्यू आर कोड शो कर रहा है हमें। ये देखिए ये शेयर भी हम कर सकते हैं किसी को, अगर किसी को फोटो एडिट करना नहीं आता तो ये हम खुद की फोटो एडिट करके उसको क्यू आर कोड शेयर कर सकते हैं। तो ये शेयर हम कहीं पे भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, ये अगर आप लोगों को ट्रिक वगैरह मेरी समझ में आई तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बोलना। अगर आप लोगों को और भी कोई ट्रिक की वीडियो या फोटोग्राफी से रिलेटेड आपको कोई भी पोस्ट वीडियो कुछ भी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकते हो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मैं ऐसी ऐसी अमेजिंग वीडियो बनाता रहता हूं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन भी दबा सकते हो। तो दोस्तों अब मिलते हैं आगे किसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।